आपको तो मालूम ही है बच्चों को एनिमेटेड वाला वीडियोस बहुत अच्छे लगते हैं और जिसके वजह से बच्चे द्वारा देखे जाने वाले कंटेंट बहुत जल्द वायरल हो जाती है। तो आज इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ आप कैसे किड्स एनिमेटेड वीडियो क्रिएट कर सकते हो, वो भी फ्री एआई टूल का यूज करके और अपने यूट्यूब चैनल पर डाल के अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। उसके लिए आप इस वीडियो को स्किप मत करना। पहले मैं आपको बताऊंगा आप कैसे एआई टूल का यूज करके अपने वीडियो के लिए स्टोरी क्रिएट कर सकते हो। तो पहले हमें किस टाइप का वीडियो चाहिए उसका आइडिया निकाल लूंगा चैट जीपीटी का यूज करके। चैट जीपीटी में आके यहाँ पर मैं एक प्रॉम्प्ट दे देता हूँ, प्रोवाइड मी 10 किड्स बेड टाइम स्टोरी आइडियाज। उसके बाद देखिए चैट जीपीटी मेरे लिए आइडिया को जनरेट कर रहा है। ये देखिए चैट जीपीटी मेरे लिए 10 अलग अलग आइडिया जनरेट कर दिया है। अभी मैं यहाँ से किसी एक आइडिया को सिलेक्ट करूंगा और उसी के रिलेटेड स्टोरी को जनरेट करूंगा। तो स्टोरी को जनरेट करने के लिए आज मैं एक दूसरा एआई टूल यूज करूंगा जिस एआई टूल का नाम है टाइनी वाओ। टाइनी वाओ में आने के बाद राइट साइड में देखिए एक साइन इन का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर जाके मुझे साइन इन कर लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर फटाफट से साइन इन कर लेता हूँ। साइन अप करने के बाद यहाँ पर देखिए एक सर्च बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ पर आपको सर्च करना होगा स्टोरी जनरेटर। उसके बाद यहाँ पर सर्च बटन पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर स्टोरी जनरेटर टूल आ गया है, यहाँ पर मुझे क्लिक कर देना होगा और ये देखिए ये टूल ओपन हो गया है। यहाँ पर आप लेफ्ट साइड में देखिए यहाँ पर टॉपिक का एक ऑप्शन दिया हुआ है और यहाँ पर एक बॉक्स दिया हुआ है, मतलब मुझे किस टाइप का स्टोरी चाहिए उसके रिलेटेड यहाँ पर टॉपिक देने के लिए बोल रहा है। तो मैं यहाँ पर चैट जीपीटी से एक टॉपिक को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद नीचे देखिए आपको कितना पैराग्राफ का स्टोरी चाहिए। अभी तो मैं जो वीडियो क्रिएट करने वाला हूँ वो शॉर्ट स्टोरी का ही वीडियो क्रिएट करने वाला हूँ, उसके लिए मैं यहाँ पर दो ही पैराग्राफ सिलेक्ट करूंगा। अगर आप लॉन्ग स्टोरी का वीडियो क्रिएट करना चाहते हो तो आप यहाँ से ज्यादा पैराग्राफ सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद नीचे जनरेट बटन पर क्लिक कर देते हैं और किस टाइप का स्टोरी जनरेट करते हैं वो आप भी देखिए। तो ये देखिए ये टूल मेरे लिए स्टोरी को जनरेट कर दिया है। अभी मैं इसी स्टोरी का यूज करके वीडियो को क्रिएट करूंगा, तो आप वीडियो को स्किप मत करना। तो स्टोरी को यूज करके वीडियो में कन्वर्ट करने के लिए मैं जो एआई टूल का यूज करूंगा उस एआई टूल का नाम है आर्टफ्लो। आर्टफ्लो में आप किसी भी टाइप का वीडियो को जनरेट कर सकते हो, रियलिस्टिक, कार्टून, एनिमेशन या फिर एआई अवतार, आपको जिस भी टाइप का वीडियो चाहिए आप उस टाइप का वीडियो क्रिएट कर सकते हो। अगर आप आर्टफ्लो का यूज करके एआई अवतार वाला वीडियो क्रिएट करना चाहते हो तो आप आई बटन पर दिए गए वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। तो अभी इस स्टोरी को वीडियो में कन्वर्ट करने के लिए आर्टफ्लो में आकर यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिया हुआ है स्टोरी स्टूडियो, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे स्टोरी का सैंपल दिया हुआ है। तो आपके खुद का स्टोरी क्रिएट करने के लिए यहाँ पर न्यू स्टोरी पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन दिया हुआ है, एक है हेल्प मी गेट ए स्टोरी और एक है आई हैव ए स्टोरी। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम ही है अभी मैंने स्टोरी को जनरेट कर लिया है, तो मुझे यहाँ पर क्लिक कर देना होगा आई हैव ए स्टोरी पर। उसके बाद देखिए यहाँ पर बहुत सारे स्टोरी टाइप आ गया है, आपको किस टाइप का स्टोरी वीडियो चाहिए। तो मैं यहाँ पर चिल्ड्रन स्टोरी ही सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद देखिए यहाँ पर स्टोरी आउटलाइन का बॉक्स दिया हुआ है। उसके लिए यहाँ से मैं अपने पैराग्राफ्स को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद ऊपर देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है स्टोरी कैरेक्टर्स, मतलब यहाँ पर स्टोरी में कितना कैरेक्टर्स है उसके रिलेटेड डिस्क्राइब करने के लिए बोल रहा है। अगर आप कैरेक्टर्स को श्योर नहीं हो तो उसके लिए आपको चैट जीपीटी पर आना होगा और यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट देना होगा डिस्क्राइब द कैरेक्टर्स ऑफ दिस स्टोरी, और उसके बाद आपको वो स्टोरी पेस्ट कर देना होगा। और अभी देखते हैं कितना कैरेक्टर्स चैट जीपीटी मेरे लिए जनरेट करके देता है। ये देखिए चैट जीपीटी मेरे लिए सार कैरेक्टर जनरेट करके दिया है। तो पहले यहाँ पर देखिए नेम का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से मैं कैरेक्टर का नाम कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर कैरेक्टर इंट्रोडक्शन पूछ रहा है, तो मैं कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद नीचे देखिए एड अनदर कैरेक्टर, वहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। फिर से यहाँ पर सेम तरीके से दूसरा कैरेक्टर ऐड कर देता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो मैंने यहाँ पर दो कैरेक्टर ऐड कर दिया है। अगर आप ज्यादा कैरेक्टर ऐड करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर ऐड अनदर कैरेक्टर पर क्लिक कर देना होगा, फिर से यहाँ पर कैरेक्टर को ऐड कर देना होगा। अभी के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ दो ही कैरेक्टर यूज करूंगा। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है क्रिएट दिस स्टोरी, यहाँ पर मुझे क्लिक कर देना होगा। और फिर देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन आ गया है सेलेक्ट स्टोरी फॉर्मेट, मतलब आपके वीडियो का फॉर्मेट किस टाइप का होना चाहिए। अगर आप रील या फिर शॉर्ट्स के लिए वीडियो क्रिएट करना चाहते हो तो आपको वर्टिकल पर क्लिक कर देना होगा। अगर आप यूट्यूब फुल वीडियो क्रिएट करना चाहते हो तो आपको हॉरिजॉन्टल पर क्लिक कर देना होगा। अभी के लिए मैं हॉरिजॉन्टल ही सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद देखिए आपको किस टाइप का वीडियो चाहिए, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ गया है। जैसे कि आपको मालूम ही है बच्चों को कार्टून का वीडियो बहुत अच्छा लगता है, तो उसके लिए मैं 3D कार्टून ही सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है कंटिन्यू टू कैरेक्टर क्रिएटर, यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद देखिए आर्टफ्लो मेरे कैरेक्टर्स को जनरेट कर रहा है। कैरेक्टर्स को जनरेट होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। इसी के बीच में आपको बोल दूं, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये देखिए मेरा कैरेक्टर रेडी हो गया है। अगर आपको इस कैरेक्टर को सेंस करना है तो आप यहाँ से प्रॉम्प्ट को सेंस करके अपने कैरेक्टर को सेंस कर सकते हो। तो अभी मैं इसी कैरेक्टर को यूज करूंगा। उसके लिए ऊपर कन्फर्म कैरेक्टर इमेज पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है कंटिन्यू टू स्टोरी बोर्ड, यहाँ पर मुझे क्लिक कर देना होगा। तो ये देखिए आर्टफ्लो मेरे स्टोरी के अकॉर्डिंग मेरे वीडियो को जनरेट कर रहा है। वीडियो को जनरेट होने के बीच में आपको फिर से बोल दूं, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके लिए बहुत मेहनत
करके वीडियो बना रहा हूँ। तो ये देखिए आर्ट फ्लो मेरे लिए वीडियो को जनरेट कर दिया है। अभी एक बार आप कैरेक्टर्स को देख लीजिए, ये एक है, ये एक है, ये एक है, ये है, ये है, मतलब मेरे स्टोरी के अकॉर्डिंग कैरेक्टर्स को भी जनरेट कर दिया है। अगर आप इन कैरेक्टर्स को भी सेंस वगैरह करना चाहते हो तो आपको नीचे कैरेक्टर पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आप लेफ्ट साइड में देखिए इमेज का एक ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर जो भी सेंस करना है तो आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट को सेंस वगैरह कर देना, उसके बाद जनरेट पर क्लिक कर देना और उसी के अकॉर्डिंग आपके लिए इमेज जनरेट करके देगा। अभी के लिए मैं इस इमेज को ही रहने देता हूँ। उसके बाद ऊपर एक्सपोर्ट के बटन पर क्लिक करके फुल वीडियो को डाउनलोड कर लेते हैं। तो ऐसे ही आपको आर्ट फ्लो का यूज करके वीडियोस को क्रिएट करना है। फिर भी अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और ऐसे ही वीडियो हर रोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। थैंक यू।